मॉनसून की रफ़्तार ने देश में एक बार फिर तेज़ी पकड़ी और इसके विस्तार के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिनों के अंदर पूरे देश में मॉनसून पहुंच जाएगा इसके साथ ही कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है आईएमडी के अनुसार मॉनसून से राजस्थान के कुछ हिस्से और मध्य प्रदेश के अधिकांश राज्यों को कवर कर लिया है इसके साथ ही बिहार के कुछ और जिलों तक इसका विस्तार हो चुका है पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों को भी मॉनसून ने कवर कर लिया है इसके साथ ही मॉनसून उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख को कवर लिया है आईएमडी का अनुमान है कि मॉनसून अगले तीन से चार दिनों के अंदर पूरे देश में फैल जाएगा क्योंकि इसके लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं यह अगले दो से तीन दिनों में पश्चिम बंगाल के बचे हुए स्थानों झारखंड के बचे हुए जिलों और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बचे हुए स्थानों को कवर कर लेगा आने वाले दो से तीन दिनों में दिल्ली में भी मानसून की एंट्री हो जाएगी साथ ही राजस्थान के बचे हुए हिस्से और हरियाणा पंजाब के कुछ हिस्सों को कवर कर लेगा इसके बाद इस राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है देश में अगले पांच दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो आईएमडी के मुताबिक आने वाले चार से पाँच दिनों में देश के कई राज्यों में ज़बरदस्त बारिश देखने के लिए मिल सकती है इस दौरान भारी बारिश को लेकर आईएमडी ने अलर्ट भी जारी किया है अगले तीन से चार दिनों के अंदर दक्षिण भारत के राज्यों कर्नाटक केरल और तमिलनाडु में भारी से अत्यधिक भारी बारिश देखने के लिए मिल सकती है वहीं ओडिशा में आज और कल भारी अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है इसके साथ ही आज और कल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और सौराष्ट्र में भारी बारिश देखने के लिए मिल सकती है कल पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश होने की संभावना है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी